वेलकम टू माँ का खाना। आज हम बनाएंगे दाल मोठ। चलिए हम बना लेते हैं। दाल मोठ बनाने के लिए हमने आधा कटोरी चने का दाल भिगो के रखा था। आधा चम्मच हमने नमक लिया है, आधा चम्मच हमने लाल मिर्च लिया है, आधा चम्मच आमचूर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अभी हम बनाने की तैयारी करते हैं। तेल गरम हो चुका है, हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे वरना ये उड़ने लगेगा। हमने चने के दाल को 6 घंटे भिगो कर रखा था और इसमें हमने थोड़ा सा चम्मच का चौथाई हिस्सा सोडा भी डाला हुआ था भिगाने के टाइम में। तेल हमने एकदम गरम कर लिया था। अभी हमने गैस धीमी किया हुआ है कि थोड़े देर के बाद हम फिर से फास्ट करेंगे। अभी हम गैस फास्ट कर ले रहे हैं। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे तेल में। इसे भिगोते समय सोडा इसमें इसलिए डाला जाता है कि ये खाते समय क्रिस्पी लगे। अब ये हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। जाली वाले बर्तन में हम निकाल लेंगे इसे। इसमें जो बचे खुचे तेल होंगे वो निकल जाएगा। दाल मोठ बनके तैयार है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिर्च डालेंगे, आमचूर डालेंगे, हल्दी डालेंगे। अब इसे हम मिला लेते हैं। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूंगी। देखिए दाल मोठ बनके तैयार है, कितना अच्छा क्रिस्पी बना है। इस तरह से आप बनाइए दाल मोठ घर में खाने के लिए। नमकीन काफ़ी अच्छा बना है। दाल मोठ बनके तैयार है, आप इस तरह से बनाइए और खाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।